सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए तो अच्छी बात है। तैयार हैं तो निकाल लीजिए अपनी बुक, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक। और पढ़ना क्या है ये मैं बता रही हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में आप पढ़े थे, एक ही मात्रा, उससे बने शब्द और फिर एक कविता जो जिसका नाम था रमेश के बेटे। तो ये कविता आप लोगों ने याद कर ली, बहुत अच्छे। जिन बच्चों ने नहीं किया वो याद ज़रूर कर लेंगे। और इस कविता को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं अभी, फिर हम आगे पढ़ेंगे शब्द तरंग, जिसमें एक ही मात्रा वाले शब्द हैं, ए से बने मात्रा वाले शब्द लिखेंगे और पढ़ेंगे भी। कविता क्या थी? रमेश, क्या थी? रमेश के तीन बेटे थे, उनके नाम सुरेश, दिनेश व महेश थे। वे बहुत लड़ते थे। कल सवेरे वे बगीचे में गए, खेलने गए। वे खेलते खेलते झगड़ने लगे। रमेश ने समझा कर मेल कराया। रमेश मेले से केले और जलेबी लाया। बाहर एक सपेरा आया, सपेरे ने खेल दिखाए। बेटे धीमे धीमे आगे पीछे आए। कितना प्यारा है ना? चलिए तो हम इसे यहीं छोड़ के आगे बढ़ते हैं शब्द की ओर। ओके, कविता आप अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे शब्द। मैं लिखती हूँ, बुक में है शब्द तरंग, पर मैं लिखती हूँ ए की मात्रा वाले शब्द। ठीक है ना बच्चों? ए की मात्रा वाले शब्द। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी मात्रा लिखेंगे हम? खेल। ख, और हमें लिखना है खे ल। खे, ख पे क्या होगा? ए की मात्रा। खे ल, खेल। फिर है रेल। र ए कार, रे ल, रेल। फिर त ए कार, ते ल, तेल। म ए कार, मे ल, मेल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मात्रा कहाँ है और क्या है, कैसे लिखना है, इन सारी बातों का ध्यान दीजिएगा। फिर है जेल। जेल लिखने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे? ज ए कार, जे ल, जेल। फिर आगे देखिए, सीधे। सी तो सा दीर्घी और धे ध ए कार, सीधे। पीछे, प दीर्घी पी छ ए कार, छे, पीछे। धीमे, धी मा ए कार, मे, धीमे। फिर है नीचे, ना दीर्घी नी च ए कार, चे, नीचे। पीते, प दीर्घी पी त ए कार, ते, पीते। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है बच्चों। आप सुंदर से साफ साफ शुद्ध अक्षरों में लिखिएगा। इसके बाद है केवल। क ए कार, के व ल, केवल। देवर, ये सारे शब्द जो है वो एक ही मात्रा से है, ठीक है। रेशम, रे श
म रेशम, फिर है जेवर, बेशन, बेर, सा, न, बेसन। अब आगे देखिए बच्चों क्या है, करेला, क र ए का रे ल आकार ला, करेला, अकेला, अ क ए कार के ल आकार ला, अकेला। बसेरा, ब स ए कार से र आकार रा, बसेरा। फिर क्या है, चचेरा, च च ए कार चे र आकार रा, चचेरा। फिर है सवेरा, स व ए कार वे र आकार रा, सवेरा। फिर देखिए बच्चों अपने, अ प न ए कार ने, अपने, सपने, स प न ए कार ने, सपने। फिर है गमले, ग म ल ए कार ले, गमले। कपड़े, क प र ए कार रे, कपड़े। पर्दे, प र द ए कार दे, पर्दे। अब नीचे में सही से अगर लिख पाऊँ तो देखती हूँ। लाल टेन, ला ल टे न, लाल टेन। दिख रहा है बच्चों आपको? वैसे मैं उधर लिख देती हूँ, जगह खाली है, यहाँ नीचे सही से आपको नहीं दिखने वाला है। चलिए इस पांचों शब्द को मैं इधर लिख देती हूँ। लाल टेन, सबसे नीचे वाला मैं लिख रही हूँ यहाँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लाल टेन, भेलपुरी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के बाद है सेनापति, सेनापति के बाद है बच्चों सबसे अंत में बेलदार, क्या है, बेलदार। इस तरह से आप सारे जितने भी एक ही मात्रा वाले शब्द हैं उन सभी को लिखें। चलिए बच्चे आप भी लिख लीजिए, कुछ बचा हुआ है तो इसे चेक करना है, पढ़ना है तो फिर मिला लीजिएगा। चलिए लिखने के बाद हम इसे पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं, क्या पढ़ना है, एक ही मात्रा वाले शब्द। चलिए पढ़ते हैं, क्या ये खे ल, हमेशा ध्यान देना है जिस वर्ण पर आपको मात्रा लगा हुआ समझ में आए वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हम बोल क्या रहे हैं, कौन सी मात्रा बोल रहे हैं और वो मात्रा को कैसे हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो खेल ख पे है, ल पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए केवल ख पे लगा है, ख एकार खे ल खेल। फिर र एकार रे ल रेल, त एकार ते ल तेल, म एकार मे ल मेल, ज एकार जे ल जेल। इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि सबसे नीचे का है ये। फिर स दीर्घ ई सी ध एकार ढे सीधे, प दीर्घ ई प
पी छा ए छे पीछे। धा दीर्घ ई धी मा ए में धीमे। ना दीर्घ ई नी चा ए चे नीचे। पा दीर्घ ई पी ता ए ते पीते। फिर आगे देखिए का ए के वा ला केवल। दा ए दे वा रा देवर। रा ए रे शा मा रेशम। जा ए जे वा रा जेवर। फिर है बा ए बे सा ना बेशन। फिर देखिए बच्चों का रा ए रे ला आकार ला करेला। आ का ए के ला आकार ला अकेला। बा सा ए से रा आकार रा बसेरा। फिर है चा चा ए चे रा आकार रा चचेरा। सा वा एकार वे रा आकार रा सवेरा। फिर सबसे नीचे लाइन में देखिए बच्चों आ प ना ए ने अपने। सा प ना ए ने सपने। ग म ल ए ले गमले। क प ड ए रे कपड़े। प र द ए दे पर्दे। ठीक है, अब हम सबसे नीचे वाले लाइन को पढ़ेंगे। ल आकार ला ल ट ए टे न लाल टेन। भ ए भे ल प दीर्घ उ हु। र दीर्घ ई री भेल पूरी। र ए रे ल ग आकार गा र दीर्घ ई री रेल गाड़ी। स ए से न आकार ना प त ह्रस्व ई ती सेना पति। ब ए बे ल द आकार दा रा बेल दार। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम जितने भी शब्द हैं इसे पढ़ें। आप लोग समझे कि नहीं ये मुझे बताइएगा, समझ में आया कि नहीं। आप इसे घर पे अच्छे से पढ़िएगा, इसका अभ्यास कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए। बाय।